टू बियास होममेड डिशेस। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। देखेंगे वो कौन सी रेसिपी है। देखिए, मैंने पास्ता लिया है एक बड़ा बाउल, जो आज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और मैंने एक ऑनियन को अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, करी पत्ता और एक कटोरी बोनलेस चिकन लिया है, और चार बड़े साइज के टमाटर, और थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी ली है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और कुकर में मैं एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगी। एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप की हुई ऑनियन को डालूंगी। और उसे थोड़ा सा अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। बस हमें ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही लाइट हमें पका लेना है। ये रेसिपी बहुत जल्द बन जाती है। ना हमें पास्ता को उबालना है, ना ही उसे कुछ और मसाला दूसरा बनाना है। हम एक ही साथ कुकर में इस रेसिपी को रेडी करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हमारी प्याज हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आज मुझे थोड़ा बाहर जाना था, अभी घर पर आई हूँ तो मुझे कुकिंग करने में बहुत सारा वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने ये झटपट बनने वाली रेसिपी तैयार कर रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। हमने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, देखिए सिर्फ मिनटों में ही हमारी डिश रेडी हो जाएगी। हम कहीं बाहर जाकर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, हमें कुछ कुकिंग करने का मन नहीं होता, तब ये रेसिपी झटपट से बना सकते हैं। देखिए, मैं इसमें टमाटर डालूंगी और चिकन को भी इसमें ऐड कर लूंगी। सिर्फ मिनटों में हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और मैंने जो मसाले निकाल कर रखे थे, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, वो सारा इसमें डाल दूंगी। और साइड में मैंने पानी भी गर्म के लिए रखा है, जो हमें ये थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब मैं उसमें ऐड कर लूँगी। तो मिनटों में हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसे ढाँक कर पकाऊँगी। देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा ढाँक दिया है और फ्लेम को लो कर लिया है। देखिए, इस साइड मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, जो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और झटपट से पास्ता उसमें डाल दूंगी। एक सीटी में ही हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कुकर के ढक्कन को निकाल कर देखूंगी। देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और हमारा चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस साइड मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था। देखिए, हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल लूंगी, मैं थोड़ा सा इसे बचा लूंगी ताकि ज्यादा ना हो जाए। मैंने 3 ग्लास पानी लिया था। देखिए, हमारा पानी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें पास्ता डाल दूंगी। हमें जब भी पास्ता बनाते हैं तो पानी हमें पास्ता के ऊपर तक आना चाहिए। देखिए, ये मेजरमेंट करेक्ट है, अच्छे से पानी में डिप होना चाहिए हमारे सारे पास्ता, तो अच्छे से सारे पास्ता हमारे करेक्ट कुक हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी और जो गरम मसाला है हमारा, उसे थोड़ा सा चिकन मसाला डालूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। हमने चाट मसाला डाला है
तो इसमें लेमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मसाला इसमें काफ़ी है। ये बहुत टेस्टी बनेगी और झटपट से बनेगी। देखिए सिर्फ एक दो विजिल होने तक ही हम इसे पकाएंगे, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसे लीड लगाकर दो या तीन सीटी होने तक रखूँगी। देखिए अच्छे से पक रहा है, अब मैं इसे लीड लगा देंगे। देखिए हमारी विजिल हो रही है, सिर्फ दो, हमें दो ही विजिल लेना है, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। देखिए हमारी ये दो विजिल हो चुकी है, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। चलिए अब मैं कुकर को खोल कर देखूंगी। देखिए करेक्ट मेजरमेंट है हमारा, अच्छे से गल चुकी है और ये रेडी हो चुकी है। मैं डिश आउट कर लूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मजेदार बनी है। आप देखिए हमारे मैक्रोनीस रेडी हो चुकी है और हम इस पर थोड़ा सा मेयोनीस और थोड़ा सा केचप डालेंगे और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालूंगी। लीजिए हमारी डिश झटपट से सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो चुकी है। मेरी डिश आपको कैसी लगी आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।